वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़मा। तो आज जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो है दूध की खीर। तो मैंने फ्रेंड्स ये कम से कम 1.5 किलो दूध ले लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। जब इसमें उबाल आ गया था तब मैंने इसमें कम से कम 1 कप से ज़्यादा चावल, जो मैंने कम से कम 3-4 घंटे के लिए भिगो के रखे थे, उनको ग्राइंड कर इसमें ऐड कर लिया है और इसमें डाल लिया है। ज़्यादा नहीं, मैंने 1.5 किलो दूध में 1 कप मैंने चावल इसमें डाले हैं इस तरह से फ्रेंड्स। और मैं इसकी खीर बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, अब मैंने चावल डाल दिए हैं। तो मैं इसको इस तरह से चला रही हूँ ताकि अच्छी तरह से बन जाए और उसमें एक भी लम्स ना पड़े। तो फ्रेंड्स देखिए आप इस तरह से, मुझे तो कुछ दिन देर इसी तरह से चलाना पड़ेगा ताकि इसमें लम्स ना पड़े और ये अच्छी तरह से बन जाए। देखिए मसाला मेरी खीर रेडी हो रही है। देखिए इस तरह से इसमें ये इसमें एकदम उबाल भी आ जाएगा क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी गर्म कर चुकी है और ये एकदम तैयार हो जाएगी। इस तरह देखिए मेरी खीर में उबाल आ गया है। देखिए आप इस तरह से माशाल्लाह, अब 2-3 उबाल आने के बाद मेरी खीर एकदम रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से अब मैं स्लो फ्लेम में इसे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे इसमें उबाल आ चुका है इस तरह से। अब मैं इसमें सिवई ऐड करूँगी। थोड़ी सी सिवई ऐड करूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स ये मैंने सिवई ले ली है और इसको बारीक सा कर लिया है। ये देखिए अब मैं इसमें ये मिक्स कर लूँगी। ये देखिए और इसको अच्छी तरह से चला दूँगी। ये देखिए मसाले मेरी खीर एकदम रेडी होने वाली है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं इसमें जो आपको इसमें ड्राई फ्रूट डालने हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे काजू बादाम किशमिश नारियल और भी आप जो डालना चाहें इसमें खीर में ऐड कर सकती हैं। ये देखिए मसाला मेरी खीर रेडी होने वाली है। अभी मैं कम से कम इसे 5 मिनट के लिए और ढककर बनाऊंगी ताकि अच्छी तरह से बन जाए, अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब मैंने इसे चीनी मिला ली है। अभी अपने टेस्ट के अनुसार इसमें चीनी मिलाएं, मिक्स कर अच्छी तरह से थोड़ी देर और बनने के लिए रख दें इसको ताकि अच्छी तरह से बन जाए। अब मैं इसमें थोड़ी छोटी इलायची और बड़ी इलायची ऐड करूँगी पीस कर। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें छोटी बड़ी इलायची ऐड कर दी है। चीनी भी मेरी मिक्स हो चुकी है और मेरी खीर रेडी हो चुकी है। अब मैं जो इसमें ड्राई फ्रूट डालना है नारियल काजू बादाम ये मैं इसमें ऐड करूंगी और मेरी खीर रेडी है। आप चाहे इसे गर्म खाएं चाहे इसे फ्रिज में रख के ठंडी खाएं, एज यू विश। इस तरह से तो फ्रेंड्स मैंने बादाम नारियल और काजू मिक्स कर लिए हैं और मेरी खीर माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह से तो फ्रेंड्स मेरी रेडी हो गई है खीर। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी शेयर भी करें मेरी वीडियो को। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैं इंशाल्लाह फिर कल हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।